Hello everyone, I am Pradeep Sharma from St. John's Schools. Today we are going to start a new topic, gene therapy. Gene therapy में क्या होता है कि एक defective gene होता है, एक defective gene होता है, उसको correct करके, replace करके और उसको उसके अंदर correct gene है वो insert किया जाता है. यानी डिफेक्टिव जो जीन है जिसने वो एंजाइम्स वो प्रोटीन बनाना बंद कर दिया है उसको अपन रिप्लेस कर दें, यानी नॉन फंक्शनल होता है उसको रिप्लेस कर दें और एक फंक्शनल जीन उस बॉडी के अंदर इंसर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको अपन जीन थेरेपी कहते हैं. क्लियर है? यस. तो डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके करेक्टिव जीन है उसको इंसर्ट करना जीन थेरेपी होता है. अब इस टॉपिक के अंदर अपन जो पढ़ेंगे उसमें क्या देखेंगे कि एक एंजाइम है एडीए, एडिनोसिन डीएमिनेज, वो क्या होता है लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो प्रोड्यूस करती हैं. अब वो लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं वो प्रोड्यूस कर रही हैं, देखना लिम्फोसाइट सेल्स हैं वो एडीए प्रोड्यूस कर रही हैं. ठीक है? अब लिम्फोसाइट का मेन फंक्शन क्या होता है? इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करना. यानी इम्यून सिस्टम जो फंक्शनल होता है वो लिम्फोसाइट की वजह से होता है, क्योंकि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना इनका फंक्शन होता है, जिसमें टी लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं. ठीक है? अब एक पेशेंट ऐसा है जिसके अंदर, या एक चाइल्ड ऐसा है जिसके अंदर एडीए जो जीन है, या जो जीन जो एडीए बना रहा था, इस एंजाइम्स को बना रहा था, वो फंक्शनल नहीं है, यानी नॉन फंक्शनल हो गया, यानी डिफेक्टिव हो गया. तो ये जो डिजीज है वो आपकी हेरिडिटी डिजीज है, यानी जेनेटिक डिसऑर्डर है जो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन. ये एक जीन जो होता है उसके डिलीशन की वजह से होता है. यानी आपका जो जीन जो एडीए एंजाइम्स बना रहा था वो जीन क्या हो गया? डिलीट हो गया. दैट्स वाई दैट डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर. इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर भी अपन कहते हैं. ठीक है? अब प्रॉब्लम ये आएगी कि जिसके अंदर एडीए नहीं बन रहा है तो उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. उसकी लिम्फोसाइट्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी. तो फिर उसका रिप्लेसमेंट अपन कैसे करते हैं? उसके लिए अपने पास क्या है? अलग अलग मेथड्स होते हैं. ठीक है? उसमें अपना मेथड अपन डिस्कस करते हैं. एक वो अपना होता है बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन. इम्यून सिस्टम वाले चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा बोन मेरो क्या होता है. उसके अंदर जो सेल्स होती हैं बोन मेरो को अपन क्या कर दें? ट्रांसप्लांट कर दें. या सेकंड मेथड अपने पास होता है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी. यानी उस एंजाइम को, जो फंक्शनल एंजाइम होता है उसको अपन डाल दें उसकी बॉडी के अंदर. लेकिन दोनों ही क्या है? दोनों के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि कंप्लीटली क्योर नहीं हो सकती वो डिजीज़. फ्रिक्वेंटली वो अपन को करना पड़ता है. तो जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी में अपन क्या करते हैं कि वहाँ से लिम्फोसाइट सेल्स है वो लेते हैं. अपन क्या लेते हैं? लिम्फोसाइट सेल्स लेते हैं उस पेशेंट की लिम्फोसाइट सेल को लेकर के लेबोरेटरी के अंदर अपन क्या करवाते हैं? उसका कल्चर करवाते हैं. लेबोरेटरी में कल्चर करवाते हैं. फिर अपन क्या करते हैं? जो फंक्शनल एडीए सीडीएनए जो अपने पास है, सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री जो डीएनए होता है फंक्शनल, वो भी फंक्शनल जो सीडीएनए एडीए वाला है उसको अपन क्या कहते हैं? रेट्रोवायरल वेक्टर के साथ में, जो डिसआर्म्ड अपन कर लेते हैं उसको वेक्टर के साथ डाल करके उसको क्या बना लेते हैं? आरडीएनए बना लेते हैं. यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए अपने बना लिया. ध्यान से समझना, फंक्शनल सीडीएनए अपने लिया है जो क्या करेगा? वो एंजाइम को बनाएगा. इसको अपने रेट्रोवायरस वेक्टर जो होता है उसके साथ डाल लिया. इसके साथ डालने के बाद अपने पास क्या बन गया? आरडीएनए बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया. इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को जो लेबोरेटरी में कल्चर अपन लिम्फोसाइट करवा रहे हैं पेशेंट की, उसके अंदर क्या कर दिया? ट्रांसफॉर्म कर दिया. ट्रांसफॉर्म करने के बाद में ये जो लिम्फोसाइट सेल्स है वापस अपन किस में डाल देंगे? पेशेंट के अंदर डाल देंगे. पेशेंट के अंदर डाल देंगे तो पेशेंट के अंदर जाकर के वो क्या करेगी? वहाँ पे फंक्शनल एडीए बनाएगी, यानी वो एंजाइम बनाएगी एडिनोसिन डीएमिनेज, और उसका इम्यून सिस्टम प्रॉपर्टी वर्क करने लग जाएगा. ये तो है जीन रिप्लेसमेंट थेरेपी के अंदर फंक्शन. लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है. इस प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर कि फ्रिक्वेंटली, क्योंकि आपकी जो लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं वो इमॉर्टल हैं, यानी कभी ना कभी एक लाइफ साइकिल होता है उसके बाद ख़त्म हो जाती है. तो बार बार अपन को क्या करना पड़ेगा? उस पेशेंट की लिम्फोसाइट को बाहर निकालना पड़ेगा और सेम जो प्रोसेस है वो रिपीट करना पड़ेगा. तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं? अपन ये कर सकते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र अपन कर रहे हैं फंक्शनल एडीए जो जीन का, जो ट्रांसफ़र अपन कर रहे हैं वो कब कर दें? एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर अपन कर दें. कब कर दें? अर्ली जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है
उस समय यदि अपन फंक्शनल एडीएडीन उसके एम्ब्रियो के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं तो ये कौन सा मेथड बन जाता है जी, परमानेंट मेथड बन जाता है और कम्प्लीटली वो क्योर हो सकता है। बार बार फ्रिक्वेंटली अपन को उसके अंदर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं अपन क्या कह रहे हैं। इफ ए पर्सन इज बॉर्न विथ ए हेरिडिटी डिजीज, एक पर्सन है वो हेरिडिटी डिजीज के साथ पैदा होता है, कैन ए करेक्टिव थेरेपी बी टेकन फॉर सच ए डिजीज, क्या उसके लिए कोई करेक्टिव थेरेपी है? यस, उसके लिए करेक्टिव थेरेपी है अपने पास जीन थेरेपी, यानी जो फंक्शनल जो डीन जो जीन है वो अपन उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। इट इज एन अटेम्प्ट टू डू दिस, जीन थेरेपी इज ए कलेक्शन ऑफ मेथड्स, मेथड का कलेक्शन है दैट अलाउज करेक्शन ऑफ ए जीन डिफेक्ट, जीन डिफेक्ट को क्या करेगा, करेक्ट करेगा, हैज बीन डायग्नोज इन ए चाइल्ड और एम्ब्रियो, जो चाइल्ड और एम्ब्रियो में डायग्नोज अपन ने किया है। हेयर जीन्स आर इंसर्टेड इन टू पर्सन सेल, पर्सन की सेल में जीन को इंसर्ट किया जाता है या टिश्यू में डिजीज को ट्रीट करने के लिए। करेक्शन ऑफ जेनेटिक डिफेक्ट, जेनेटिक डिफेक्ट है उसको करेक्शन करते हैं। इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल जीन, नॉर्मल जीन की डिलीवरी की जाती है इनटू इंडिविजुअल्स, या तो उस इंडिविजुअल में की जाती है या उसके एम्ब्रियो में की जाती है, टू टेक ओवर द फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट द नॉन फंक्शनल जीन, जो नॉन फंक्शनल जीन है उसका उसकी वजह से जो लॉस हो रहा है, जो कम प्रोटीन बन रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए। आगे देखते हैं। द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी, सबसे पहले क्लिनिकल जीन थेरेपी 1999 के अंदर 4 ईयर ओल्ड गर्ल के अंदर हुई थी, है ना, विथ एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी, यानी उसके अंदर एडिनोसिन डी एमिनेज डिफिशियंसी थी, वो एंजाइम्स नहीं बन रहा था। और ये एंजाइम कहाँ बन रहा है, लिम्फोसाइट्स के अंदर बन रहा है। लिम्फोसाइट क्या होती है, इम्यून सिस्टम के लिए रिक्वायरमेंट होती है, एसेंशियल होती है इम्यून सिस्टम प्रॉपरली वर्क करे। तो दिस एंजाइम इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम टू फंक्शन। द डिसऑर्डर इज कॉज ड्यू टू द डिलीशन ऑफ द जीन, ये जीन क्या हो गया, वहाँ से डिलीट हो गया, है ना, अपने म्यूटेशन के अंदर पढ़ा हो ना डिलीशन वगैरह, तो ये मेंडेलियन डिसऑर्डर है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन भी अपन कह सकते हैं, जीन म्यूटेशन भी कह सकते हैं, एडिनोसिन डीएमएनएज। इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मेरो एंड ट्रांसप्लांटेशन, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन से अपन इसको क्योर कर सकते हैं। इन अदर्स इट कैन बी ट्रीटेड बाय एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, और कुछ के अंदर एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से भी अपन इसको क्योर कर सकते हैं, कन्वेंशनल टेक्निक्स जो अपन बता रहे हैं। इन विच फंक्शनल एडीए, जो एडीए फंक्शनल है, इज गिवन टू द पेशेंट बाई इंजेक्शन, इंजेक्शन से पेशेंट को दे दिया जाता है, वो ठीक है। बट द प्रॉब्लम विद बोथ दीज अप्रोचेज, दोनों जो अप्रोच अपन काम में ले रहे हैं, कौन कौन सी, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, दे आर नॉट कम्प्लीटली क्योरेटिव, ये कम्प्लीटली क्योरेटिव नहीं है। एज ए फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स जीन थेरेपी, तो अपन नई टेक्निक क्या लेकर के आए जी, जीन थेरेपी लेकर के आए। जीन थेरेपी में अपन क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स फ्रॉम द ब्लड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के ब्लड से लिम्फोसाइट लेते हैं, उसको अभी मैंने पूरा प्रोसीजर बताया था, आउटसाइड कल्चर करवाते हैं उसको, और फंक्शनल एडीए सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए जिसको रेट्रोवायरल वेक्टर्स को यूज़ करके लिम्फोसाइट के अंदर अपन क्या कर देंगे, उसको ट्रांसफॉर्म कर देंगे, विच आर सब्सिक्वेंटली रिटर्न टू द पेशेंट, और वापस वो कहाँ जाएगी, पेशेंट के अंदर आ जाएगी। हाउएवर एज दीज सेल्स आर इमोर्टल, अपन को पता है कि ये सेल्स लिम्फोसाइट क्या होती है, इमोर्टल होती है, तो द पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन, ये सबसे बड़ा इसका लिमिटेशन है, ध्यान से समझना इसको, कि पेशेंट के अंदर पीरियडिक इन्फ्यूजन करना पड़ता है जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट्स, जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड अपन ने लिम्फोसाइट किए जिसके अंदर वो अपने एडीए फंक्शनल डाला है, उसको बार बार फ्रिक्वेंटली उसकी बॉडी के अंदर डालना पड़ता है। हाउएवर इफ द जीन आइसोलेट फ्रॉम द मेरो सेल्स, यदि अपन ऐसा करें, जीन आइसोलेट करें मेरो सेल्स से जो फंक्शनल एडीए बना रहा है, और उसको सेल्स के अंदर डाल लें अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर, अर्ली एम्ब्रायनिक स्टेज के अंदर यदि उस जीन को अपन डालते हैं तब ये परमानेंट क्योर बन जाता है, बार बार फ्रिक्वेंटली उसको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इसका करेक्टिव थेरेपी है जो अपने पढ़ी है, है ना, पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा दिया, एक बार उसको वापस अच्छे से देखें, अच्छे से समझें, दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सेम थिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल, टारगेट दैट इज मल्टीप्लाइड बाई 5 टू ईच एंड एवरी वन स्टूडेंट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।